एडिट कर रहा हूँ। गिर गया। क्या कर रहे हो यार तुम? मेरी सेल्फी की तुमने ऐसी की तैसी की। ध्यान रखना इसका, ठीक है? भाई ऐसा होता है। तो इसमें आवाज कैसे आएगी? वो जनरल आवाज देगा। अच्छा जी जी बिस्मिल्लाह। रिकॉर्ड रिकॉर्ड सर, आप मुझे ये बताएं कि कौन सा सॉन्ग आपका अपना फेवरेट है जो आप हमेशा चाहते हैं या आपको अच्छा लगता है परफॉर्म करने में जो आप कभी गाएं इसके लिए? वो एक है मतलब ने शहनाज का एक शहनाज की नज़्म है जो अब इतनी पॉपुलर हो गई है सर दे गदले सेवर में ही नील कमल बित दोहिया ऐ को बिच कोर मधमार में जे उदरे थो तद रोहिया ही दोहना है मानो जी मो मिट्टी भी हर गोहिया उस तरह की नजर आए। इस तरह से वो कहते हैं कि कमल जो गंदले पानी में होता है इसका भी कोई कसूर है? ये तो कसूर बात नहीं, ये एक्यूज्ड है कि वो क्यों गंदे पानी में उधर को ऊपर आया। या वो परिंदा चकोर खासतौर पर चांदनी में होता है, अंधेरे में उड़ेगा तो जाहिर है वो बाकी होगा, बाकी ही हो सकता है। इसी तरह से कहते हैं कि वो शायद मैंने जो आम आदमी का जहन पहले उर्दू में शायर शेर सुनाया था वो भी शेख्याज का। शेख्याज के काफ़ी गीत हैं जो मैं गाता रहता हूँ,
जैसे मेरा जो उर्दू में पसंदीदा गजल है वो है अलम की, अब्दुल हमीद अलम, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। अरे दोस्त क्या बताएं कि क्या क्या ना हो सका हमसे तेरे सितम का भी शिकवा न हो सका। ऐ दोस्त क्या बताएं कि क्या क्या न हो सका हमसे तेरे सितम का शिकवा न हो सका। या ये कि जो चुनाव में जो अपने वोट लेके जाते हैं उनको फिर नेक्स्ट टाइम आजमाने के बाद उसको छोड़ा जाए, ये भी शुरू नहीं। और ये सारा कसूर है उस आवाम के साथ सरकारी उन इदारों का भी है जिन्होंने हमको इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। पढ़े लिखों पे जो बाशऊर लोग हैं वो इत्तेफाक से वोट देते हैं। अब जब बाशऊर लोग वोट नहीं देते तो वोट तो खरीद लेते हैं, किसी न किसी से वोट दिलवा देते हैं, वो अपने उस इकदार में आने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो फिर भी वो उसकी इकदार में आ जाते हैं। तो बाशऊर आदमी वोट दे न दे उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। इस तरह से अहमियत में जाके बचती है उस बेशऊर आदमी की जो वैसे ही चल रहा है, उसको पानी नहीं मिला या गंदे पानी गटरों में बैठा होगा या मच्छर है या गंदगी है या स्कूल की तालीम नहीं है या रोजा नहीं है। बहुत सारे सिंध में तो सूरत हाल अब ये हो गई है कि पानी पीने का पानी जो है वो खराब पानी हो गई है, वो प्लांटेशन में उसको रोटेट करके लोगों को बोतलों में दिया जाता है और वही लोग पानी पी रहे हैं। जो एक्चुअल पानी है जो हमें दरिया से आता है या दरिया का पानी होना चाहिए या हमें अंडरग्राउंड जमीन से जो पानी हासिल होता है, मकसद ये कि अब सारे सिंध में खासतौर पर गटर का पानी है जिसको रोटेट करके लोगों को दिया जा रहा है। इस पर हमारे एक दोस्त हैं शॉप, उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शायद एक केस भी किया है जिसकी वजह से थोड़ा सा काम आगे चला है कि वो जो गंदे नाले हैं बंद किए गए हैं, जो रेस्टोरेंट है प्लांट है उनको बंद किया गया। अब ये ज़रूरी है कि आवाम को भी थोड़ा सा काम करना चाहिए और वो उसकी ड्यूटी है आवाम की कि वो सरकार से अपनी उस अपना
अपना हक मांग ले या छीन ले। मसलन उसमें नुकसान ये होता है कि हमारे यहाँ देखा गया है कि जो नाई है अजाम है बाल काटेगा, जो भी कचरा होगा दुकान के बाहर फेंक देगा, घर का बंदा होगा वो कहेगी अम्मा कहेगी जाओ जाके बाहर कचरा फेंक के आओ, वो टेलर मास्टर होगा जो भी चिगड़ियाँ वगड़ियाँ होंगी वो सारे वो बाहर फेंक देगा, तो कचरा गंदगी होगी, गंदगी गटरों में चली जाएगी, गटर बंद हो जाएगी, वही पानी बाहर आ जाएगा। एक तरफ ये गलत, दूसरी तरफ सरकार की सूरत हाल है कि वो सियासतदान उन जिन्होंने वोट किए हैं जिन गाँव से जिन देहातों से वोट लिए हैं जिन शहरों से वोट लिए हैं वो या तो अपनी गली का रोड बनवा लेंगे बाकी का खैर। तो इसी पे कई लोगों की खासकर पे सिविल सोसाइटी ने एतराज उठाया है, सिविल सोसाइटी ने एहतजाज भी किए हैं कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए, मगर वो है बेहसी है सियासतदानों की ज़्यादातर बेहसी है, और वो सियासतदान जब इक्तदार में आ जाते हैं तो सरकार जो है वो भी थोड़ा सा मान लेता, और मसलन कोई आदमी डाकू या चोर पकड़ा गया है तो वो सियासतदान अपने तवसुत से उसको छुड़ा देता है। तो ये भी एक मसला है कि कानून भी यहाँ लाचार और मजबूर हो जाता है, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान को बड़ी बड़ी बहुत बड़ी तब्दील की जरूरत है। अभी अपने गुज़िश्ता कोई 4-5 साल पहले PTI की तरफ से कुछ उम्मीद थी, हमने कहा कि भाई फिर आपको ये सवाल जो हमारे कौमी सवाल है खासतौर पर जो सिंध में लोग रहने वाले हैं पंजाब में या सरहद में इन सबके एक और सवाल आदमी है, उनको पानी भी चाहिए उनको रोजगार भी चाहिए। अभी तक जितनी भी हमारे लोगों को नौकरियाँ मिली हैं वो उस कुछ पढ़ाई लिखाई का जो मैार है वो होनी नहीं है, स्कूलों में गधे खड़े हुए। तो अब तो और किसी ने कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई स्कूल में बच्चे नहीं जाते तो गधे को तो निकालो, ये भी नहीं हो पाता। तो वो सियासतदान वही कई लोग हैं वो खुश होते हैं कि ठीक है अभी गधे पर खड़े हुए हैं इसलिए उनको वोट देने वाले जो हैं वो गरीब आदमी हैं उनको 4 पैसे मिल जाते हैं, इज्जत मिल जाती है। गरीब आदमी को फिर पता नहीं क्यों ये फख्र होता है कि अमीर आदमी ने हाथ मिला लिया तो ये बड़ी बात होगी। अवाम को अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं, इस तरह से सियासतदान को भी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, अवाम की इज्जत का ख्याल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा सियासतदान ही है वो उसको किसी जगह पे चलना था, मेरे साथ टाइम था उसका, वो आधा एक घंटा नहीं आया, फिर 2 घंटे हो गए इत्तेफाक से आ गया। तो लोग बहुत से वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे तो मैं क्या करूँ, मैं तो बस फंस गया हूँ। तो मैंने सोचा कि आवाम इतनी बेवकूफ है, इतनी कोई गद्दी गिरी हुई है कि आपके पास आते हैं और आप उनके लिए नफरत का इजहार करते हैं कि वो मेरे पास बैठे हुए थे मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए नहीं, वो 2 घंटे हो गए। ये तो गलत है, आवाम तो आवाम है ना, वो कहाँ जाएगा, उसके पास नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा। उसके लिए सरकारी आदमी यही है, वो अपने जितने भी दुखड़े हैं वो अपने काउंसलर को बताएगा, चीफ ऑफिसर को बताएगा जो उसके इलेक्शन में जीते। ये सूरत हालत है पाकिस्तान की। मैं मतलब इस तरह से सियासत के हवाले से मैं पाकिस्तान की सियासत से बहुत खारिज हूँ। अब ये भी है कि हम अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं तो हम चाहते हैं को भी होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आए MP आज हो जाए तो वो असेंबली में बैठे हैं सो रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्या मसाइल हो रहे हैं, किस तरह के मसाइल हैं वो ले जाओ, लिख के ले जाओ और फिर प्रिंट में मीडिया में दे दो, जर्नल्स में दे दो, ये नहीं होना। ये मायूसी है एक तरह से सियासत में, पाकिस्तान की सियासत आगे कहीं नहीं बढ़ी, वो बहुत पीछे बहुत पीछे रहे। सर हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है क्योंकि टाइम जो है अब जो एक दाम की तरफ हमारे प्रोग्राम बढ़ रहा है तो एक समझ लें कि हम एंड में एक छोटा सेगमेंट रखते हैं, उसमें होता कुछ यूँ है कि मैं आपसे कुछ अल्फाज बोलूँगी या फिर कुछ जुमले बोलूँगी और आपके दिमाग में जो पहली चीज उससे मुताबिक या मुंसलिक आए आपने वो मुझे बताया। ये तो बहुत मुश्किल बता दिया, बगैर सोचे आप
पाकिस्तान फटी पाकिस्तान था ही नहीं बिल्कुल सही इज अ ट्रिक क्वेश्चन अच्छा नवाज शरीफ या फिर इमरान खान नहीं दोनों नहीं होना चाहिए दोनों नहीं और उस सत्ता है उस पर हमारा दोनों पर दोनों नहीं ये बिल्कुल ऐसे निकाल दे जी 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 और ये सवाल आप अच्छे के लिए कोई ऐसा राज जो आज आज तक दुनिया के बारे में नहीं हाँ हाँ वो तो राज जाहिर है वो तो बता भी नहीं सकता डिस्क्राइब योरसेल्फ इन थ्री वर्ड्स मैं फकीर हूँ फिल्म वुदरिंग हाइट्स कौन सा वो ऐसा एक्टर है जो कभी डायरेक्टर नहीं बन सकता अल्लाह अकबर नहीं मेरे दिल में नहीं वन वर्ड या फिर वन फ्रेज फॉर लाइफ ये तो मैं जब सोचना पड़ेगा इसके लिए हाँ वन फ्रेज या वन वर्ड आप इसको जिस तरह कर सकते अल्लाह से कोशिश आपका ये सेगमेंट यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर हो गया मैं कामयाब हुआ तो या फेल हो गया नहीं अब मैं क्या बोलूँ आप तो बस इंसाफ तो नहीं किया लेकिन खैर बस हो गया भाई ये तो होना है जाए किसी को जीतना तो है मैं हार जाऊँ तो अच्छा है कि कोई जीत तो जाए लेकिन सही है आपने एटलीस्ट कुछ ऐसी बात नहीं की जो आप जिसके लिए आपका दिल राजी नहीं आपने कहा चले सही है मैं क्वेश्चन पास कर लेता हूँ उसके बाद कुछ नहीं एंड में मैं चाहूंगी कि आप आए हैं आज मेरे शो पर तो आप हमारे देखने वालों के लिए एक मैसेज जो लोग इस सिंगर सिंगिंग करना चाहते हैं राइटिंग करना चाहते हैं कुछ अच्छा ऐसा काम करते हैं आर्ट की तरफ या फिर जरूरी नहीं है आर्ट की तरफ वो लोग जो मायूस हैं जिनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है तो आप उनके लिए कोई एक मैसेज अगर दे सकें या फिर आपको देखने वालों जो देख रहे हैं आपको आज लोग वो एक अच्छी बात हमारे प्रोग्राम के थ्रू सोच सकें समझ सकें कुछ आगे अपनी जिंदगी में कर सकें तो आप एक मैसेज एक जो बुनियादी बात है तो बहुत सारी बातें मगर एक बुनियादी बात यह है कि आदमी को किताबें पढ़नी चाहिए इल्म हासिल करना चाहिए और वो शेयर करना चाहिए शेयर करने से एक तो मतलब मसलन मैं किसी से शेयर करूँगा कोई बात तो वो मेरी एक होमवर्क हो जाता है जो चीज़ मैंने पढ़ी है मेरा होमवर्क हो जाता है होमवर्क होता है तो वो उस रिपीटेशन से मेरे अंदर वो काफ़ी चीज़ें जो है वो एक हदीस की तरह से जमा हो जाती है वो एक मजबूती से वो पकड़ लेता है आदमी तो वो जहन नशीन हो जाती है और दूसरों से शेयर करना ज़रूरी है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आदमी को और कुछ न करे और कुछ न करे दुआ देना ज़रूरी है दुआ देता है तो किसी के खिलाफ न सोचे वो अपने अंदर किसी ऐसी गलती को या किसी मनफी चीज़ को ज़रूर महसूस करे और दूसरों को दुआ देता है बस एक ही चीज़ है जो ये है कि मुताला करे पढ़े लिखे बस दुआ करता है लोगों को आदमियों को खासतौर पर बच्चियों को क्योंकि वो उनकी वजह से माशरा बनता है उनकी वजह से दुनिया बनती है तो अल्लाह उनको खुश रखे अल्लाह उनको बड़ी हरियाँ दे बड़ी ज़िंदगी दे सलामती दे उनकी दुआएँ होनी चाहिए सेहत दे अच्छे अच्छे बच्चे दें अच्छे ये मेरी दुआ होती है और सबके लिए मेरा ये भाई आप लोगों को दुआ देते हैं कहीं ना कहीं वो दुआ कामयाब होती है बहुत शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया इतना सब कुछ आपने बताया अपनी जिंदगी के बारे में जो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए आई होप देखने वालों को भी सही की कुछ बातों से सीखने को मिला हो और आज का प्रोग्राम आई होप बल्कि नहीं आई थिंक कि आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि एक दिन की बहुत करीब प्रोग्राम रहने वाला है बिकॉज आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सही से मिलने का मौका मिला है वो तो उसकी खुशी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जो कुछ आज सीखने को मिला आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अपनी ज़िंदगी पर उसका थोड़ा बहुत अगर आप कर सकें इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूर कीजिए क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएंगे आप लोगों के साथ अच्छा ट्रीट करेंगे तो आपको भी उसके बदले में कुछ अच्छा मिल जाएगा तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सब अच्छा अच्छा हो तो आप कोशिश करें कि अपने लोगों को खुश रखें और उनके साथ आप अच्छा सलूक करें और इसी बात के साथ मैं आपका प्रोग्राम एंड करती हूँ आप एक नए गेस्ट के साथ एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए टॉपिक के साथ और अपना आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें आपसे अल्लाह हाफिज़